लेक्चर में देखा होगा कि मैंने आपको लगभग लगभग 3 न्यूमेरिकल करवा दिए थे फिजिक्स के क्लास 10th के। अब बचा है क्या, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो 1x1 करके मैं आपको इस लेक्चर में करा देना, ठीक है। तो मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो देखते हैं है क्या इन सभी चीज़ों में। सबसे पहले है क्या कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको अवतल वाला करवाया था, अब मैं करवाऊंगा आपको उत्तल। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी मान लीजिए, फोकस दूरी है कितनी, मतलब स्मॉल f बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम धनात्मक लेंगे, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक दिशा में आती है x अक्ष के। अब वो कहा गया है कि लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमें किसकी, वस्तु की लंबाई दी गई है कि नहीं दी गई है, वस्तु की लंबाई मतलब ऑब्जेक्ट दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है दर्पण से की है, सॉरी मैंने आप यहाँ पे लेंस लिख दिया है, आपको ध्यान करना है कि ये किससे है, दर्पण से, दर्पण से। अगर दर्पण से है तो हम क्या कह देंगे कि 2 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी वस्तु रखी है। अब देखिए चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, हमें लेना क्या है, माइनस चिन्ह लेंगे। पर वो कहता है कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें प्रतिबिंब की जो लंबाई है मतलब आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एफ दिया है, यू दिया है, हम किसको फाइंड कर लेंगे, यू को, सॉरी एफ और यू हमें दिया है, हम किसको फाइंड कर लेंगे, वी को। तो लगाइएगा फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो एफ देखिएगा कितना है, 20, ठीक है। वी कितना है हमें पता नहीं है, यू कितना है माइनस का 10, तो इसको इस साइड बुलाइएगा तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब जो हमारा वी है वो कितना, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ले लीजिए, 20 30 60 और 10 6 60, मतलब 1/v, वी इसको पलट दीजिए तो वी बराबर क्या आ गया, 60/9 सेंटीमीटर। ये हमारी वी की वैल्यू है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि उत्तल दर्पण से है तो वी की वैल्यू इतनी कुछ आ गई है हमारी। अब हमें फाइंड क्या करना है, आई, तो हमें पता है चूंकि एम बराबर होता क्या है, वी अपॉन यू माइनस के और आई अपॉन ओ के बराबर, तो हम इसको हटा लेंगे यहाँ से। अब वी की वैल्यू है कि कितनी, 60/9, और यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 दी गई है, और आई की वैल्यू हमें पता लगाना है, और यू यहाँ कितना दिया, सॉरी ओ कितना दिया गया है, 2। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हम 10 से इसको काटेंगे तो माइनस से ये प्लस हो गया, और 10 छिक्के कितने हो गए हैं, 60 हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो आई की वैल्यू कुछ यहाँ पे निकल के आएगी, 6 × 12 और ये 9i, तो 9i हो गया, और ये कितने हो गए, 12। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 12/9, मतलब इसको सरलतम रूप में लिखें तो 3×4 12 और 3×3 9, मतलब 4/3 कुछ इसकी वैल्यू आ रही है। तो बताइए यहाँ पे कोई डाउट है आपको, जिस प्रकार हमने अवतल में किया था सेम उसी प्रकार हमने उत्तल में कर लिया, कि हमें फोकस दूरी गिवन थी, ओ मतलब वस्तु की जो लंबाई है वो गिवन थी, और वस्तु तक की दूरी हमें बताई गई थी, और आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने किसको फाइंड किया, वी को। जब हम वी फाइंड कर लेंगे देन हम आई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है। समझिएगा कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें कहा जाए कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आधी है वस्तु के, कि दोगुनी है, कि तिगुनी है, कि 4 गुनी है, कि 10 गुनी है, 100 गुनी है, 1000 गुनी है, अरे भाई जो भी दे, जितनी भी गुनी रहे, हमें उसको किसके बराबर मानना है, एम के बराबर। और जो वैल्यू रहेगी एम की, फिर उसको हम मान लेंगे माइनस के वी अपन यू के बराबर, जिसके बेसिस पे हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, मैटर नहीं करता। तो ध्यान से सुनिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी भैया काहे की है, उत्तल की, तो हम फोकस दूरी लिखे ले रहे हैं पहले, फोकस दूरी। अब उत्तल की जब फोकस दूरी है तो ये धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, पहले तो ये आपको बताना है। तो आप तो भाई होशियार ठहरे, तुरंत बता देंगे कि ये धनात्मक होगी, क्यों, क्योंकि ये उत्तल की फोकस दूरी है वो एक्स एक्सिस धनात्मक दिशा में आती है। अब बात करें कि वस्तु की लंबाई की प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, तो हमने क्या था, जो भी रहे आधी, पौनी, डेढ़, दो गुनी, वो किसके बराबर मानते हैं, एम के बराबर। तो आधी मतलब 1/2 कर लिया हमने। अब वो क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, सॉरी एक मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कि वो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा है,
तो वस्तु तक की दूरी, क्या कह रहे हैं, वस्तु तक की दूरी। और वस्तु तक की दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यू बराबर हमें कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। अब चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमें कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन। तो हमने ये लिख दिया है, एम की वैल्यू हमें 1/2, मतलब आधी पौनी जितने भी दी गई, तो हम उसको एम के बराबर मान लेंगे। अब बचा हुआ क्या है, वी। तो भैया वी की हमें फाइंड करनी है वैल्यू, और वी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तभी हम बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट हैं, तो सीधा लिखे ले रहे हैं कि एफ हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है, चूंकि m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपॉन u। तो m की वैल्यू कितनी है, 1/2, और v हमें फाइंड करना है, u कितना दिया गया है, माइनस के 25। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जो v की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 25/2। बताइए कोई दिक्कत उसमें नहीं, हमें u पता है, v पता है, f फाइंड नहीं कर पाएंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u। f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, v कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे v दिया गया है हमें 25/2। तो यहाँ तो 2/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25। तो भैया लिख दीजिए माइनस के 25। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 25। तो 25 का भाग देंगे इसमें, एक बार जाएगा तो एक दो, यहाँ पे करेंगे 1। तो 1/f बराबर क्या आ गया, 1/25। और इसको दोनों को पलट दीजिए तो f की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 25 सेंटीमीटर। और यही तो हमें फाइंड करना था। बताइए कोई डाउट, नो ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अब वो हमसे पूछ रहा है वस्तु को कहाँ रखें, मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो अवतल दर्पण है, वक्र त्रिज्या, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसकी दी गई है, अवतल दर्पण की। तो कैपिटल आर बराबर हमें मानना है, उससे क्या करना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है चूंकि आर बराबर भैया 2f होते हैं, वैल्यू रखिए, तो f की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो कुछ हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, कि अगर अवतल दर्पण रहता है तो चिन्ह हम कौन सा लेंगे, माइनस का, किस में, फोकस दूरी में। अब वो कह रहा है कि इसके सामने वस्तु को कहाँ रखें, भैया हमें नहीं पता, तो यू बराबर हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क, कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब वी, वो पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बने, 30। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर माइनस में आता है चिन्ह तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन अगर प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। लेकिन हमें चाहिए कैसा, देखिए कहाँ लिखा है, वास्तविक, तो हम वी किस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। इतने क्लियर हो गए होंगे, तो बस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1/f बराबर भैया क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u। f की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब v की वैल्यू हमें गिवन है, कि v की वैल्यू 30 है, तो भैया माइनस का 30 लिख दिया। अब क्यों लिखा है ये आप भी जानते हैं, इसको यहाँ पे लाइएगा तो होगा क्या, माइनस का 30 किसका हो जाएगा, प्लस का 30, 1/u। LCM लीजिए कितना हो गया, 30। तो 10 कितने हो गए हैं, 30 प्लस, और 30 एक हम 30 बराबर 1/u। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कुछ कैसा आएगा, माइनस का 2/30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बराबर 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो माइनस का 2u बराबर कितना आ गया है, 30। तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 30/2। इसका इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हम वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्राप्त होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। जबकि प्रतिबिंब हमें कंडीशन 2 दी गई है, कि पहली कंडीशन है कि वास्तविक हो और दूसरी आभासी, और फिर हमसे ये भी पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी वार्तालाप हो जाए। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं, मिलते हैं मुझसे, कि सर जी, कुछ सर जी भी कहते हैं, कुछ भैया भी कहते हैं, कि वो मोटिवेशन दिन भर नहीं रहता है। अगर मतलब एक बार मिल भी गया तो मुश्किल से 3-4 घंटे फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है क्या कि मोटिवेशन या मोटिवेट होने के लिए आपको अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी जो चीज़ आपको प्राप्त करना है या चाह रहे हैं आप जिस चीज़ को, तो उसको गेन करने के लिए आप ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा उग्र नहीं होंगे या फिर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं है। अगर आपकी जो नीड है वो बड़ी नहीं है तो भाई नहीं मिलने वाला मोटिवेशन।
मोटिवेशन मिलता है अंदर से। अगर आपको अंदर से आग लगी हुई है तो आप चीज़ें कर जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ? अगर आपको अंदर से आग लगी है तो आप चीज़ें कर जाएंगे। अगर आपकी चीज़ें छोटी हैं, गोल ही छोटे हैं, मैं ये मानता हूँ कि छोटे छोटे गोल बना के आगे बढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि छोटी चीज़ें मिली नहीं कि खुश हो गए, नहीं। खुशी का इजहार कम कीजिए और ज़्यादा अपने जो गोल है, वो जो एम है, उस पर फोकस कीजिए, तो आसानी से आप चीज़ें कर जाएंगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, किसी को भी देख लीजिए, अगर उसने अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है तो चीज़ें क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं रही हैं। भैया चीज़ें हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग रहती हैं। आप सोचो कि आपके अकॉर्डिंग हो जाए, फिर आप कुछ ना करने वाले, आपको बैठे बैठे सब कुछ खाने पीने और मिल जाए चीज़ें, तो क्या आप कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना। जब चीज़ें बर्स होती हैं, विपरीत कंडीशन होती है, तभी हम अपना एफर्ट जोन से बाहर आते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, फिर एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा चीज़ों को और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा कि दो कंडीशन है, वास्तविक और आभासी, जिसमें हमें ज्ञात करना है। तो पहला होता क्या है कि हमने वास्तविक वाली कंडीशन को लेके कर रहेंगे एक साइड, और दूसरी वाली कंडीशन रहेगी हमारी आभासी। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। पहला क्या कहता है? वास्तविक। अब वास्तविक में है क्या बेसिकली कि वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15। भैया दर्पण अवतल है, फोकस दूरी कितनी है? 15। चाहे अवतल हो तो हम माइनस लगाएंगे, लेकिन अगर उत्तल होता तो भाई क्या लगा देते, प्लस। तो भाई दोनों कंडीशन में फोकस दूरी बराबर है। अब वो कह रहा है एक दर्पण को, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को रखना है, मतलब वो यू हमसे पूछ रहा है, दोनों कंडीशन में पूछ रहा है यू कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बने। कितना गुना बने? 5। अब ध्यान सुनिएगा, अगर वास्तविक आता है तो हम किस चिन्ह के साथ लेंगे? माइनस चिन्ह के साथ। किस चिन्ह के साथ लेंगे? माइनस। लेकिन अगर यही आभासी आ जाता है तो एम को हम किस चिन्ह के साथ ले लेंगे? प्लस वाले चिन्ह के साथ ले लेंगे। बस यही इतना अंतर है, बाकी सब सेम रहने वाला है। अब हमें एम पता है, यू पता है, एफ पता है, तो हम क्यों नहीं निकाल पाए? मतलब यू हमें फाइंड करना है, आसानी से निकालेंगे, हमें पता है चूँकि एम बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू। तो वैल्यू रखिएगा भाई इसमें, तो माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएंगे? माइनस के वी अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसिल, और वी बराबर क्या हो गया हमारा? 5 यू। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से कि है क्या 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो f की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? 15 है। v कितना दिया गया है? 5u, और u तो भैया u है। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो माइनस के ये 15 हो गए हैं, एलसीएम 5u आ जाएगा। 5u से 5u कैंसिल 1, प्लस u से u कैंसिल, कितना हो गया? 5। तो यहाँ से काट दीजिए 5t, कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस u बराबर कितना आ गया है? 6 × 3। तो u बराबर आ गया है माइनस के 18 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम 18 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखते हैं तो 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? यहाँ से आप भी ज्ञात कर सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, उसने पूछा है। तो v बराबर 5 मल्टीप्लाई u कितना हो जाएगा? माइनस के 18। तो 18 × 5 भैया कितने होते हैं? 90। तो 90 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं आवासी के लिए। तो भैया हमें पता है m प्लस का हो गया है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे चूंकि माइनस का v अपॉन u बराबर हो गया 5, और v बराबर हो जाएगा माइनस का 5u। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हमने क्या किया कि इसको आवासी था तो प्लस का चिन्ह के साथ लिया। अब जब प्लस के चिन्ह के साथ लिए तो m बराबर माइनस का v अपॉन u बराबर कितने आ गए हैं? 5। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इतना गेन कर लिया। इतना आपने नोट कर लिया हो तो इसको कर लीजिएगा भाई, फिर मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह इतनी है नहीं कि आसानी से आपको सॉल्व करें। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा भाई। रफ्तार से कीजिए, और 72 की रफ्तार से जब चीज़ें करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगी। इतना है तो हम क्या कहेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो f की वैल्यू है पता है कितनी है? 15। v हमें गिवन हो गया कि माइनस के 5u, और ये हो गया प्लस के u। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो गया? 5u, माइनस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब करेंगे क्या? जब हम इसको 5 में से घटाएंगे तो भाई हमारा बचने वाला है 4, और यहाँ पे आ गया है 5u, और ये रहा 1/15। तो 5 से काट दीजिए, 5 × 3 = 15 हो गया। u यहाँ पे आएगा, माइनस का u बराबर 4 × 3। तो u बराबर हमारा कितना आ जाता है? 4 × 3 = 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। अगर भाई हमारा u 12 आ गया तो हम v ज्ञात करेंगे, क्योंकि v बराबर है क्या? 5,
और u भी कितना है माइनस के 12, तो 12 पंचे कितने हो जाएंगे 60, और माइनस माइनस प्लस, मतलब अगर हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे आभासी प्रतिम प्राप्त करेंगे। और दूसरा इसमें क्या था कि अगर हम वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पे वास्तविक प्रतिम प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल थे मैंने वन बाय वन करके सारे लगवा दिए गए हैं। अब आपको जिनमें भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं कि इस वाले न्यूमेरिकल में मेरे को डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।